बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ये मैं आज आपको एक क्वेटा टाउन में एक नई बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, और इसमें हमारे पास टू बेड लाउंज का एक फ्लैट आया हुआ है। और पहले आप इसकी गली देख लें कितनी चौड़ी है, और बिल्कुल शुरू में ही है, बिल्कुल जो जडान चौरंगी आती है उसके साथ ही है ये। और ये मैं अपार्टमेंट आपको अंदर से दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इसका कॉरिडोर है। ये पानी की मोटर लगी हुई है और के इलेक्ट्रिक के सारे मीटर लगे हुए हैं। ये देख लें आप, के इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं, और सामने लिफ्ट लगी हुई है। और लिफ्ट जो है वो ऑपरेशनल है, आप ये देख सकते हैं ऑपरेशनल है। अच्छा, गैस यहाँ पर मौजूद है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि गैस लगी हुई है। अच्छा, ये देखें, ये स्टेयर्स हैं और सेकंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट है। लिफ्ट मैंने आपको बताया मौजूद है, ऑपरेशनल है। और ये सामने आपको दिखा दूं मैं, टू बेड लाउंज का अपार्टमेंट है ये, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना हुआ है। ये कॉरिडोर है इसका, और ये हम आ गए हैं टीवी लाउंज में। पहले आप टीवी लाउंज देख लें इसका, ये देखें, ये टीवी लाउंज है इसका। सारी वायरिंग सब ओके है, मीटर बिजली सब मौजूद है। और अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ। मार्बल की फ्लोरिंग हुई भी है इसकी, और साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और दीवार में जो है आपको सामने नज़र आ रहा है कि वार्डरोब बनी हुई है। ये बेडरूम के अंदर है, और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम देख लें आप, टू बेड लाउंज है ये। और ये मैंने आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया, और अब मैं आपको इसके दूसरे बेडरूम में लेके जा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये इसका सेकंड बेडरूम है, और ये मैं आपको, इसमें भी वार्डरोब्स बनी हुई है, लेकिन ये कोई थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, लेकिन ये बनी हुई मिलेगी आपको। और इसमें भी वेंटिलेशन के लिए ये जगह दी हुई है, विंडो दी हुई है। और अब मैं इसका आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ, ये इसका वॉशरूम है, ये देख लें। अच्छा, पैसे ज़्यादा नहीं मांग रहे, और आप लोगों की जो कम पैसों में ढूंढ रहे हैं उनकी रेंज में आ जाएगा, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। अच्छा, देखें पीछे जो है वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है, ये देखें, ये वॉशिंग एरिया है इसका। यहाँ पे आपका गीज़र वगैरह लग जाएगा, ये वेंटिलेशन के लिए हवा की ये जगह, ग्रिल वगैरह लगी हुई है। ये मैंने वॉशरूम आपको दिखा दिया है, और दो बेडरूम और लाउंज, ये देख लें। और अब मैं आपको इसका किचन ज़रा डिटेल में दिखा दूँ, ये देखें, ये मैं आपको इसकी अलमारियाँ दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप, और ये देखें। और सामने जो है यहाँ पे भी आप एक अदद अलमारी बना सकते हैं, यहाँ पे भी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, लेकिन चाहें तो आप इसको अलमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये दरवाज़ा जो है ना, आप देख लें, ये कॉरिडोर का एरिया आप ही के पास होगा, ये देख लें, ये कॉरिडोर का एरिया आप ही के पास होगा। और ये देखें, मैंने दिखा दिया, तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। और 650 स्क्वायर फिट इसका एरिया है, नेट एरिया है, और आप मतलब ग्रॉस लगाएं तो तकरीबन 750 बनेगा, लेकिन ये नेट एरिया जो है वैसे इतना ही होता है। और बिल्कुल सही है, 55 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन निगोसिएशन की इसमें गुंजाइश, अच्छी गुंजाइश है। आप लोगों में से मतलब कोयटा टाउन में शुरू में ही है बिल्कुल ये, और पूरी आबाद बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है। लिफ्ट मौजूद है, स्टैंड बाय जनरेटर मौजूद है, बिजली गैस पानी सब मौजूद है। तो आप लोगों से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपको इसकी बाइंग में फैसिलिटेट करेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बाकी डिटेल्स सब मैंने आपको बता दी है। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।